दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हर एक इंसान की चाहत होती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले और हंसी खुशी से पूरा जीवन व्यतीत हो, किंतु किस्मत का भी खेल निराला होता है। किसी किसी के जीवन में इतनी खुशियां होती हैं कि वह उन्हें संभाल नहीं पाता, तो किसी किसी के पास इतना दुख होता है कि वह संभल नहीं पाता। दोस्तों सुखी इंसान का भी सब सहयोग करते हैं और दुखी का कोई सहयोग नहीं करता, यहाँ तक कि उसे दुख के अलावा कुछ नहीं देता। चलो आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी आपको सोचने और विचार करने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों आप कहानी के बहाव में बह जाएं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन कुछ नया सीखने और जानने को मिल सके। दोस्तों एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी आप गरीब को और दुखी को हमेशा सताते रहते हो या दुख देते रहते हो, और अमीर को और भी अमीर बनाते चले जाते हो और सब तरह के सुख देते हो, ये आपकी क्या माया है? आपकी इस माया को मैं जानना चाहती हूं, या आप हमारे इस प्रश्न का जवाब दें। भगवान विष्णु बोले चलो भ्रमण करने चलते हैं और वहीं पर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे दूंगा। और दोनों शक्तियां ही भ्रमण के लिए निकल पड़ती हैं, एक स्थान पर रुक जाते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम यहां पर कुछ खाना पीना बना लो, तब तक मैं कोई कार्य संपन्न करके आता हूं। माता लक्ष्मी खाना बनाने के लिए सामान आदि जुटाने लगी और अब चूल्हा बनाने की बारी आई तो ये उधर उधर देखने लगी कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे चूल्हे का निर्माण किया जा सके। तो उन्हें थोड़ी दूर पर दो मंदिर दिखाई दिए, एक मंदिर बिल्कुल सही था और दूसरा मंदिर टूटा फूटा था। माता लक्ष्मी गईं और टूटे हुए मंदिर से चार छह ईंटें उठा लाईं और चूल्हे का निर्माण कर लिया और खाना भी तैयार कर लिया। थोड़ी ही देर में भगवान वापस आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला या नहीं। तो लक्ष्मी जी बोली अभी तक आपने जवाब दिया ही नहीं, तो मुझे जवाब मिलेगा कैसे? भगवान बोले तुम्हें उत्तर तो मिल चुका है किंतु तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या दोस्तों आपको उत्तर मिला या आप इस उत्तर को समझ पाए? हाँ तो आप जीनियस हैं। यदि नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने बहुत ध्यान से इस विषय को समझा हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे तो समझ में नहीं आया, आप ही बता दो। तो भगवान ने कहा कि तुमने ईंटें कहाँ से उठाई? तो माता लक्ष्मी बोली फूटे टूटे मंदिर से मैंने चार छह ईंटें उठा ली। तो भगवान ने कहा सही मंदिर से ईंटें क्यों नहीं निकाली, फूटे से ही तुमने क्यों ईंटें निकाली? लक्ष्मी जी बोली कि बने बनाए को कौन बिगाड़ना चाहेगा और टूटा फूटा उसका क्या महत्व है, उससे ईंटें निकालने में क्या हर्ज है? तो भगवान ने कहा कि दुखी को दुख देने में क्या हर्ज है? सही मंदिर धनी और सुखी व्यक्ति की तरह है और टूटा फूटा मंदिर गरीब और दुखी इंसान की तरह है। दोनों ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। दोस्तों जिन्होंने कभी सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, वे भी बताते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में ये निशानियां बताई गई हैं, वो निशानियां बताई गई हैं। जैसे जिस स्त्री की नाभि के आसपास तिल या मस्सा हो तो वे पति के लिए बहुत लकी होती हैं। कोई कहता है कि सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि उनकी देह के बाएं हिस्से में अगर तिल होते हैं तो वे बहुत भाग्यशाली होती हैं। कोई कहता है कि तलवे में शंख हो, कोई कहता है कि पद्म हो, गुलाबी होंठ हो, पैर भी गुलाबी होने चाहिए, वे लकी होती हैं। ये सब बकवास है। क्या शादी के लिए लड़कियों को अब अपने शरीर का स्कैन करा के दिखाना पड़ेगा? क्या रिश्ता तय करने से पहले आप उससे जाकर शरीर को निरीक्षण करने के लिए कहेंगे? टोटल ढोंग है।
तिल मस्सों शंख चक्र पदम गदा धनुष बाण ये सब बकवास हैं। चलो अब आपकी जिज्ञासा भी खत्म कर देते हैं। दोस्तों जिन लड़कियों के अंदर वफादारी, अपने परिवार को साथ लेकर चलने की सोच, घर परिवार में सबका सम्मान व उनकी सेवा करने की इच्छा भाव रखती हैं, सास को अपनी माँ की तरह मानती हैं, पति उनके लिए सब कुछ होता है, उसके सिवा किसी की ओर आकर्षित तक नहीं होती, उनके मन में दया भाव और सबके प्रति ममता भाव होता है, जिन्हें बुराइयों से डर लगता है, पति परायण व धर्म परायण होती हैं, ऐसी लड़की को पाकर एक लड़के की किस्मत बदल जाती है, एक कुटिया को भी वे स्वर्ग बना देती हैं, पूरे परिवार का जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके अलावा एक गलत विचार वाली लड़की यदि महलों में भी रहे तो वह महल को खंडहर कर देती है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आज भी बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, ये आप मत सोचना कि अब ऐसी लड़कियां नहीं मिलती, संख्या कम है लेकिन पूर्णतया किसी चीज का अंत नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा।